जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर उनके घर के सामने हमला हुआ है। विधायक खान घर से निकलकर विधानसभा जा रहे थे, उसी दौरान गाड़ी में बैठते समय उनके आवास के सामने यह घटना हुई है। घटना के बाद रफीक खान ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सदर थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। विधायक रफीक खान ने कहा कि वो अपने आवास से विधानसभा जा रहे थे, तभी गाड़ी में बैठने के दौरान विकास चौधरी नाम का एक शख्स उसने हमला किया, विधायक की गर्दन पकड़कर छाती पर मारा। आज सुबह मैं जब घर से निकला, आज पीएसी की मीटिंग थी विधानसभा के अंदर, मीटिंग में मेरे को 11 बजे मीटिंग में भाग लेना था और मैं घर में नीचे आपके कार्यकर्ताओं से जन सुनवाई के दौरान लोगों से मिला और मिलकर के जन सुनवाई करके मैं बाहर आया गेट पे और गाड़ी में बैठने लगा तो कुछ कार्यकर्ता और कुछ साथी आ गए, कुछ और ग्रीवेंसेस, कोई किसी को फ़ोन कराना चाह रहा था तो मैंने उनकी स्लिप्स और उनके पेपर ले लिए कि मैं असेंबली से बैठ के खत्म होता हूँ। इसी दरमियान एक आदमी आया और बिल्कुल आगे बढ़ कर के और मेरे गले में हाथ डाला तो मैंने जिससे शायद कोई वैसे बात कर रहा हो, उसने पहले तो मेरे को गर्दन दबाने की कोशिश करी और जोर से मेरी छाती पे हाथ मारा और यहाँ से उसने जब मैंने उसको गर्दन पे उसने हाथ डाला तो मेरे यहाँ उसकी कुंडों के निशान है यहाँ करके और उसने फिर मैंने उसके हाथ पकड़ लिए दोनों और दोनों हाथ पकड़ के उसको दूर की तो उसने मेरी शर्ट पकड़ ली उससे और कार्यकर्ता उसको दूर करते रहे लेकिन बहुत सारे लोग थे यहाँ घर के और सब ने मिल करके उसको छुड़वाया और काफ़ी उससे उसने मुस्तैदी से मेरी शर्ट को पकड़े रखा फिर ज़बरदस्ती उसको हाथ अलग करके हमने छुड़वाया। तो इंटेंशन अभी पता नहीं लग रहे हैं, पुलिस को सुनवा दिया है, पुलिस जांच कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी साजिश के तहत आया और आकर के मारने की कोशिश की और कुछ लोग और साथ थे ऐसा अब बातों से लग रहा है क्योंकि कुछ वीडियो अलग अलग एंगल से उसके आने से और उस इंसिडेंट तक के बने हैं और